स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शब्द भंडार। बच्चों, आपने आपने देखा होगा कितनी वोकैबुलरी है हमारी हिंदी में, कितनी सारी है ना। तो इसी तरह बच्चों, प्रत्येक भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। सभी लैंग्वेज में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, इसी तरह हिंदी में भी अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिन्हें शब्द भंडार कहा जाता है। जिस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है उसे समृद्ध भाषा कहलाती है, वो सबसे समृद्ध भाषा कहलाती है। बच्चों, भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या होता है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से आपने देखा, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे क्या बोलते हैं हम, माली। यस। जो कपड़े धोता है, धोबी। और जो कपड़े सिलता है, दर्जी। लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। और जो प्राणी आकाश में रहता है, नभचर। जो दुकान में बैठता है, दुकानदार। जो गाना गाता है, गायक। और जो जूतों की मरम्मत करता है, मोची। जो सोने के आभूषण बनाता है, सुनार। जो पत्थर की मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। चाहे वो पत्थर की हो चाहे वो मिट्टी की हो, मिट्टी की बनाता है वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, और लोहे के बर्तन बनाने वाला लुहार। इसी तरह बच्चों, मैंने कुछ नए शब्दों के लिए शब्द के कुछ वाक्य दिए हुए, जैसे मैंने लिखे हुए हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो कभी ना मरे, बच्चों जो कभी ना मरे उसे क्या बोलेंगे हम, अमर। जो किसी से ना डरे, बच्चों आपने देखा कभी आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपका फ्रेंड्स होता है या आप, मेरा बच्चा तो बहुत ही निडर है, बहुत ही बहादुर है, वो क्या करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का यूज करते हैं। जो किसी से ना डरे, जो कभी किसी से नहीं डरता उसे क्या बोलते हैं हम, निडर। इसी तरह खेती बाड़ी करने वाला, बच्चों कौन होता है खेती बाड़ी कौन करता है, किसान। अब किसान खेती करता है तो हमें क्या देता है, क्या देता है, फल फूल सब्जी देता है ना, कहां से मिलती है हमें, कौन लाके देता है हमें, किसान। तो खेती बाड़ी करने वाला किसान। इसी तरह बच्चों, जो मांस खाता हो मांसाहारी, और जो मांस नहीं खाता शाकाहारी, और जो फल खाता है फलहारी। इसी तरह हम यहां क्या लिखेंगे, जो मांस खाता हो मांसाहारी, और अगर आ जाए जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी। सप्ताह में होने वाला, बच्चों सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। बच्चों सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, और प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो कार्य प्रतिदिन होता है उसको बोलते हैं दैनिक, और जो सप्ताह में कंटिन्यूसली, जैसे आपके स्कूल में फंक्शन है या प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरे सप्ताह चलता है कंटिन्यूसली, तो उसे क्या बोलते हैं साप्ताहिक। और जो एक दिन में होता है दैनिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो वर्ष में होने वाला वार्षिक। जो चित्र बनाता है, अभी मैंने बोला था जो लोहे का काम करता है लुहार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, और जो चित्र बनाता है चित्रकार। इसी तरह देखिए अब आ गया ना प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला मैंने क्या बोला था दैनिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अब बच्चों को पढ़ाए क्या होता है अध्यापक या अध्यापिका। आपको कौन पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है ना, और जब बच्चों को पढ़ाती है उन्हें क्या बोलते हैं, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है शब्द भंडार में विलोम शब्द की वीडियो भी मेरे चैनल पर है और पर्यायवाची की भी आप देख सकते हैं। अब मैंने थर्ड पार्ट कौन सा लिया शब्द भंडार में से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कितने सारे शब्दों का जब हम यूज करते हैं तो उनका एक ही शब्द बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
भाषा के सुंदर शब्दों का निर्माण करके हम क्या बनाते हैं, एक ही शब्द बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नहीं, क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।